दोस्तों, इंडियन होम रेसिपीज और रेमेडीज के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग गरम मसाला बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने 10 से 12 पीस दालचीनी के लिए हुए हैं। ये 1 इंच लंबी है, ध्यान रखें। हमने तेज पत्ता लिया है 10 से 12। हमने सूखा धनिया लिया हुआ है 1/4 कप। हमने काली मिर्च ली हुई है 3 से 4 चम्मच। और ये हमने जायफल लिया हुआ है, दो दो जायफल लिए हुए हैं। इसके अलावा हमने जावित्री लिए हुए हैं 3 पीस, 3 या 4 ले सकते हैं। और नीचे में आप देख सकते हैं हमने बड़ी वाली इलायची ली हुई है 10 पीस। इसके अलावा हमने जीरा लिया हुआ है, ये भी 1/4 कप है। हमने लौंग ली हुई है 2 चम्मच। छोटी इलायची ले लीजिए 10 से 12 पीस। और फ्रेंड्स, ये जो स्टार एनाइस होता है, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं चक्रफूल, वो हमने लिया हुआ है 4 पीस। और हमें क्या करना है, अब हमें एक बड़ी मेहंदी का हैवी बर्तन ले लेना है, जैसे कढ़ाई वगैरह ले लीजिए, और इसे गैस पे चढ़ा दीजिए गर्म होने के लिए। जब ये गर्म हो जाएगा, तो जैसे मैंने ऑलरेडी चढ़ाया हुआ, तो ये ऑलरेडी गर्म है, तो इसमें हम लौंग डाल दीजिए, जीरा डाल दीजिए, दालचीनी डाल दीजिए, काली मिर्च डाल दीजिए, तेज पत्ता डाल दीजिए, धनिया डाल दीजिए, बड़ी इलायची डाल दीजिए, और जायफल, जावित्री और छोटी इलायची हम लोग थोड़ा बाद में डालेंगे। इस सबको हमको थोड़ा सा फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि जो मसाले हैं ना, इनमें से अच्छी अच्छी सौंधी सौंधी आपको खुशबू आने लग जाएगी, और थोड़े से कुरकुरे से हो जाएंगे। जैसे हम धूप नहीं दिखाते हैं, आप धूप भी दिखा सकते हैं गैस पे। ऐसे फ्राई करने के अलावा आप जो है ना, इनको धूप भी दिखा सकते हैं। छोटी तो इलायची भी डाल देते हैं। अब इनको थोड़ा चलाएंगे 2 से 4 मिनट। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला कितने अच्छे से भुन गया है। आप चाहें तो इन सब मसालों को अलग अलग भी भून सकते हैं, अगर आपको एक साथ भूनने में दिक्कत हो रही है। और इसमें जायफल और जावित्री डाल के भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे उसे भी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे जो मसाले थे वो बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं, सारे के सारे मसाले। हमें क्या करना है, हमें इसे मिक्सी में या कुल्हड़ में, किसी भी एक चीज़ में आप इसे पीस सकते हैं। तो अगर मिक्सी हो घर पे तो मिक्सी आसान रहेगी, नहीं तो कुल्हड़ में भी पीस सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अब मिक्सर में जो ग्राइंडर होता है उसको ले लिया है, और ये सारा मसाला इसमें निकाल लेंगे हम लोग, और फिर इसको पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे मसालों को पीस लिया। आप देख सकते हैं हमारा गरम मसाला बन के बिल्कुल तैयार है, टेस्टी घर का बना हुआ गरम मसाला। अब आप जिसे किसी जार में भर के रख लीजिए, कांच का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे लंबे समय तक चल सके। मैं उम्मीद करता हूँ मित्रों, मेरा आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। नमस्कार दोस्तों।